Hello everyone, today we will discuss about equilibrium of concurrent forces. So, equilibrium of concurrent forces ka equilibrium samajhne se pehle hum first of all force se related kuch basic baatein hum samjhenge. So that ki aaj ke topic mein aapki achhi si command ho jaye, kyunki equilibrium pe base ke upar jitne bhi बेस जितने भी न्यूमेरिकल लाते हैं उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट की बारीकियों का पता होगा तो आप न्यूमेरिकल को काफी एंजॉय करोगे. सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है राइट. और इस ब्लॉक पे मैं लगाता हूँ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स. क्या होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स? आपको कोई एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, वर्टिकल क्या है, ठीक है, बट इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा राइट. तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक पे मैं कहता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है राइट. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स किस तरह से लग सकती है? हॉरिजॉन्टल फोर्स बेसिकली क्या होती है? ए फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग होरिजन, जो होरिजन के होराइजन के अलोंग एक्ट करे, आप होरिजन बोलते हो या होराइजन बोलते हो ठीक है, उस लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं. लाइक एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में पुशिंग फोर्स लगाता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, और इस मास को मैं इस डायरेक्शन में पुल करता हूं मेरी तरफ कोई रोप वगैरह लगा के, तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी राइट. सो अब यहाँ पे हम बेसिकली हमें जो पढ़ना है, हमें एक्सिस की टर्म में पढ़ना है. ये फोर्सेस हम मेजरली प्लेन में स्टडी करेंगे. वहां पे एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा. एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस इस तरफ लगे या इस डायरेक्शन में लगे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी राइट. और ठीक हॉरिजॉन्टल के 90 के एंगल पे वाई एक्सिस, चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगे या नेगेटिव वाई एक्सिस में कोई फोर्स लगे, तो उसको हम वर्टिकल फोर्स बोलेंगे ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे यहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट कर दी गई है, दैट इज कैपिटल एफ वेक्टर. एफ वेक्टर एक फोर्स है ठीक है. तो ये एफ वेक्टर इस ब्लॉक को कहाँ लेके जाएगी? इस एफ वेक्टर फोर्स लगने से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये जो फोर्स है ये कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल फोर्स इट कैन बी पुलिंग और पुशिंग. इस पर्टिकुलर केस में हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, हम पुल भी करेंगे तो ब्लॉक कहाँ आ जाता? इस वाली डायरेक्शन में. तो ये बनेगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल फोर्स ठीक है. प्लेन की बात करें एक्स और वाई एक्सिस की टर्म में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगे या नेगेटिव के अलोंग लगे राइट. और इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा या फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगेगी, तो ये ब्लॉक या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड में राइट. ऊपर या नीचे नहीं जाएगा. हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ ब्लॉक को आगे और पीछे लेके जाने का काम करती है राइट. फिर यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक है, इसका मास m है, और इस ब्लॉक पे मेरे को एक वर्टिकल फोर्स लगानी है. सपोज मैंने इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी. कैसे लगाऊंगा? इस पे एक रस्सी बांधूंगा या हाथ से पकड़ के इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठा दूंगा राइट. तो ये कैसे फोर्स लगी? ये है वर्टिकल फोर्स. बिकॉज ये फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस के लोग इस प्लेन की बात करें एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स एक्सिस के लोग लगने वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी और वाई एक्सिस के लोग लगने वाली क्या होगी? वर्टिकल फोर्स. या होराइजन या होरिजन के परपेंडिकुलरली कोई एक्सिस पे कोई भी फोर्स एक्ट करेगी तो वो वर्टिकल फोर्स होगी ठीक है. तो सपोज करो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया, तो मैंने यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट की है ये मेरी कौन सी फोर्स बनेगी? वर्टिकल फोर्स ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि वर्टिकल फोर्स से ब्लॉक हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे भी आ सकता है. मान लो मैंने हैमर लिया और इस ब्लॉक पे हिट किया, हिट करने से ये नीचे वाला सरफेस टूट जाता है, ब्लॉक नीचे चला जाएगा, तो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है राइट. पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट हो किसी पर्टिकुलर फोर्स के कारण, तो वो वर्टिकल फोर्स का इफेक्ट है, इम्पैक्ट है ठीक है. और पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस की अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ऐसा होता है राइट. तो आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स क्या होती है. हॉरिजॉन्टल किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे लेके जाएगी, वर्टिकल ऊपर और नीचे, जब एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं ठीक है. फिर हम बात करें फोर्स एट एन एंगल. कई बार ना तो फोर्स मैं लगाऊंगा एक्स एक्सिस में ना लगाऊंगा वाई एक्सिस में. सपोज करो मैंने इस ब्लॉक के रस्सी बांध के मैंने ब्लॉक को इधर खींच दिया ठीक है ना, मतलब मैंने इस ब्लॉक पे रस्सी बांधी और ब्लॉक को ऐसे खींच दिया.
उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए देखो, ये सपोज करो आपने यहां रस्सी बांध रखी है और इस आप इधर खींच रहे हो एफ फोर्स के साथ में, आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो होरिजन है या होराइजन है, इसके अलोंग में एक डोटी, इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा, ये वाली एक्स एक्सिस है, तो ये ऊपर वाली भी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाली भी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। तो ये जो फोर्स है इसने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, थीटा। या फिर आप क्या करो, इस ऊपर वाली लाइन को प्रोड्यूस कर देते, इसके साथ मिला देते, तो ये भी एंगल थीटा होता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में आपने एफ फोर्स लगाई थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल कहां है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या होरिजोनटल डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या बोलता हूं, होरिजोनटल डायरेक्शन। इस फोर्स ने होरिजोनटल डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होंगे। अब प्लेन की बात कर रहे हैं हम, ये सारी फोर्सेस प्लेन में स्टडी कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, राइट। तो ये तो बनी एक्स एक्सिस, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं दिखा देता हूं एक्स एक्सिस से, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखो चाहे। तो वाई एक्सिस कैसे बनेगी बेटा, इस पे वाई एक्सिस जैसे बनेगी, एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब एफ फोर्स थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है, तो एक तो इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसके साथ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा एफ कोस थीटा, और एक आ जाएगा वाई एक्सिस के लोग, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। हमने फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। अब यहां पे देखो, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वाली वाई एक्सिस के लोग, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारी बनेगी वर्टिकल डायरेक्शन। तो बेटा ये जो फोर्स लग रही है इसको आप जब कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हो, तो अब इस फोर्स का इंपैक्ट जीरो हो चुका है। अब आपने इस फोर्स का एक तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लोग काम कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस के लोग, मतलब एफ कोस थीटा जो ये फोर्स है ये इस ब्लॉक को आगे लेके जाने का काम करेगा, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ कोस थीटा को हम बोलेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट। और एफ साइन थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ साइन थीटा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। Hopefully ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके बाद में हम टू फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन स्टडी करेंगे। बेटा ये ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब देखो ये जो एम मास का ब्लॉक है इस पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये फोर्स कितनी है F1 वेक्टर। मान लो मैंने इस ब्लॉक पे एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाई, ठीक है, और ये पुशिंग फोर्स है ना ब्लॉक को आगे लेके जाएगी। अब मेरे पास ये आता है कि दूसरी फोर्स मेरे को सेम डायरेक्शन में दिखानी है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, या फिर यहां पे दिखाऊं। देखो इस वाली फोर्स को मैं बोल देता हूं ये F2 फोर्स है, क्या F1 F2 सेम डायरेक्शन है, डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुई है, ठीक है। और ये मैं F3 फोर्स को दिखाता हूं, तो क्या ये F3 फोर्स सेम डायरेक्शन में हुई, सेम डायरेक्शन में ना, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो चाहे आप F2 यहां लिख दो या यहां लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये वाली फोर्स पुशिंग है तो ये वाली पुलिंग हो जाती, बस इतना फर्क होता, ठीक है। तो एक ब्लॉक पे हमने दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दिए, तो अब आपसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, तो आप दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर दोगे, वेक्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर दोगे, राइट। वेक्टर लो आपको होपफुली आते हैं, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में दो फोर्स हो तो उनका मैग्नीट्यूड वैसे ही ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। सपोज करो ऊपर वाली फोर्स 4 न्यूटन है, नीचे वाली 6 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितनी लगी 10 न्यूटन, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, तो पहले वाली भी सपोज करो वो वाली ईस्ट की डायरेक्शन है, तो पहले वाली भी ईस्ट की डायरेक्शन में, दूसरी भी ईस्ट में, तो ये जो नेट फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की ये भी ईस्ट में लगेगी, ठीक है। फिर जब टू फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है तो क्या होगा, तो बताओ सिचुएशन कैसे रहने वाली है।
एक फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में लगा दी F1 वेक्टर, और F2 फोर्स चाहे आप देखो आप F1 फोर्स लगा के इस ब्लॉक को पुश कर रहे हो, तो आप यहाँ पे भी कोई फोर्स लगा देते हो, ऐसे पुलिंग फोर्स लगा देते हो, तो ये F2 फोर्स भी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बट डायग्राम आपका अच्छा सा बन जाए, कंजेशन ना हो, तो मैं दूसरी फोर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगी, F1 ज्यादा होगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में चलेगा F2 से, ठीक है। F2 ज्यादा होगी F1 से तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है ना फोर्स की मतलब जो ब्लॉक उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है, नेट फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में इस ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, कितनी होगी, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, वो डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स बढ़ी है, ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स घटा देना, ठीक है। तो या तो ये होगी F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, या फिर होगी F2 वेक्टर माइनस में F1 वेक्टर, ठीक है। सपोज करो ये वाली फोर्स 6 न्यूटन की है, ये वाली 4 न्यूटन की है, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी, 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, ज्यादा फोर्स के डायरेक्शन में, ज्यादा 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगी तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बस आप जनरल रूल लिख लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। फिर अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक ही ब्लॉक पे दो फोर्सेज या दो से ज्यादा लगे तो क्या करेंगे। हम एक बार दो का केस लेंगे, आगे इक्विलिब्रियम वाले केस में ज्यादा फोर्सेज ले लेंगे, वहां ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अभी आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे सपोज करो मैंने यहां पे एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा दी है F1 वेक्टर, मतलब मैं इस ब्लॉक को ऐसे रस्सी बांध के x एक्सिस के लोग या हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 लगा के इस ब्लॉक को उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, राइट। और दूसरी फोर्स मैंने लगा दी कहां पे, ऊपर की तरफ, कितनी लगाई, F2 वेक्टर। अब इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगी ना, कितनी फोर्स लगी, दो फोर्स। एक ऐसे सिचुएशन हो सकती है, ये हो सकता है एक पर्सन यहाँ पे है, वो इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, एक पर्सन कोई हवा में है, ये इस पर्सन को ऊपर, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो भाई ब्लॉक कहाँ जाएगा, इस बात का जवाब कौन देगा, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लोगे, क्या कर लोगे, रिजल्टेंट। तो आपके रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए नेट फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाली क्या होगी, एफ नेट, ये एफ नेट वेक्टर। तो आप क्या करोगे, ऐसे ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम लो लगाओगे और इसका वैल्यू, ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है, और यहां से आप नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो नेट फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, जब देखो दो फोर्स F1, F2 थीटा एंगल पे, यहाँ पे कॉन्सिडेंटली थीटा कितना है, 90 डिग्री थी, जब दो फोर्सेस, ये वाला एंगल, जब दो फोर्सेस थीटा एंगल पे हो, थीटा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, उसका अंडर द रूट। अरे याद करो, एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, थीटा एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट किया था आर, आर की वैल्यू कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट ऑफ बोथ, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर कैसे निकालते थे, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, और उसका अंडर द रूट ऐसे निकालते थे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, नेट फोर्स की वैल्यू निकाल दोगे। डायरेक्शन निकालनी हो तो यहाँ पे tan थीटा फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे थीटा 90, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा, तो आप tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एक ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं, ये बेचारा डॉगी है, दुबका हुआ बैठा है, और इस डॉगी के गले में एक चैन होती है ना, आपको पता है, डॉगी को कंट्रोल करने के लिए, और उसके साथ में एक रोप होती है, और यहाँ पे इसका, इसको कंट्रोल करने वाला इसका ओनर, मास्टर कहना ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कौन है, ओनर है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, ये सपोज करो इस डॉग का जो ओनर है, इस डॉग को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इधर,
एफ फोर्स लगा के, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कौन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये फोर्स यहाँ पे लग रही है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बन जाएगी एक्स एक्सिस वाली, ये वाली बन जाएगी वाई एक्सिस पे। तो आप डॉग पे जो लगने वाली फोर्सेस दिखा सकते हो इस डायरेक्शन में कितनी लगेगी, एफ कोस थीटा, मतलब ये वाली फोर्स एक्स फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डॉगी पे कितनी फोर्स लगेगी, एफ कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी लगेगी, एफ साइन थीटा। एक जनरल सा केस है वैसे, मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं, ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। मतलब डे टू डे लाइफ में आप ये फील कर सकते हो, ठीक है, कि जब थीटा एंगल पे फोर्स लगाओगे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, एफ कोस थीटा, वर्टिकल एफ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चाहेगा, अब जैसे मान लो ये ओनर है, इस डोगी को ऐसे खींचेगा तो एफ कोस थीटा से तो डोगी पीछे आएगा, और मान लो एफ साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डोगी ऊपर भी उठ जाएगा, राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, वो क्या होगा वो देखेंगे, नोट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के अबाउट। तो बेटा मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास m है, और ये ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट। ये ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो क्या इस ब्लॉक पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, बताओ क्या इस ब्लॉक पे कोई फोर्स है। तो आप इस ब्लॉक पे एक्ट करने वाली फोर्स को चेक करने के लिए आप इस ब्लॉक को डिवाइड कर सकते हो, एक तो एक्स एक्सिस ये बनी और हॉरिजॉन्टल लाइन है या ओरिजिन के लोग जो लाइन है उसके अलोंग एक लाइन खींच दोगे तो ये एक्स एक्सिस बनी और ये अपना क्या बना, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक पे ना तो एक्स एक्सिस में कोई नेट फोर्स लग रही है, क्योंकि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लग जाती है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है। तो इस ब्लॉक पे एक्स एक्सिस में क्या कोई फोर्स आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। तो इस ब्लॉक पे लगने वाली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है उनका सम कितना है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लॉक किस पे है, रेस्ट। ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है। और इस ब्लॉक पे क्या वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रही है, यस लग रही है। क्या इस ब्लॉक पे वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इस एम मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगी, एम जी। और ये एक्शन हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। नीचे की तरफ ग्रेविटेशन पुल के कारण फोर्स कितनी लगी, एम जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है लेकिन नेट फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि नेट फोर्स लगने का मतलब क्या है, मतलब या तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो या नेट अपवर्ड में हो। नेट डाउनवर्ड लगती तो ब्लॉक नीचे चला जाता और नेट अपवर्ड लगती तो ब्लॉक ऊपर चला जाता, लेकिन ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है। ब्लॉक किस पे है, एट रेस्ट है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्सेस कितनी है वाई एक्सिस में, जीरो है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई एक्सिस के लोग लगने वाली सारी फोर्स का सम कितना कर दो, जीरो कर दो, ठीक है, कितना कर दो, वाई एक्सिस के लोग लगने वाली सभी फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो। जीरो कैसे हुआ, अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो आप इसको क्या ले लोगे, आर को पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाली क्या लोगे, नेगेटिव, उसके अपोजिट वाली क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहां पे देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में लगाना तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, तो एम जी नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो एम जी को क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव, राइट। और समीशन का मतलब दोनों फोर्स को जोड़कर एड कर दो, सम कर दो, तो कितना बना, R माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू एम जी। मतलब y एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स एम जी और R, मतलब जितनी फोर्स लग रही है mg उतना ही नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, तो लेकिन फिर भी नेट फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स नहीं लग रही है। नेट समीशन दोनों फोर्स का कितना बन रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि आपको गिवन है ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं,
अब मान लो कि ये आपके पास में एक ब्लॉक है, ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है m, ठीक है। तो और इस ब्लॉक पे इधर से हमने फोर्स कितनी लगाई बेटा, F1, और इधर से फोर्स कितनी लगाई हमने, F2, राइट। तो एक बात बताओ, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक फिर भी किस पे है, रेस्ट पे है, आपको दिया गया ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, इस ब्लॉक पे x एक्सिस पे जितनी फोर्स लग रही है उसका सम जीरो है, y एक्सिस पे लग रही है उसका सम जीरो है, ठीक है। तो इसकी हम एक x एक्सिस बना देते हैं, एक y एक्सिस बना लेते हैं, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली सभी फोर्स का सम जीरो है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे गिवन है। नेट फोर्स एक्स एक्सिस में लग जाती या तो फिर वो आगे मूव करता या पीछे मूव करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, आपको गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली सभी फोर्सेस का सम जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्स लग रही है, एक तो एफ1 दूसरा एफ2। F1 लग रही है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, तो F1 को क्या ले लोगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। F2 लग रही है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो F2 को क्या ले लोगे आप, नेगेटिव, ठीक है। समीशन सभी का सम कितना होना चाहिए, जीरो। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो, F1 इज इक्वल टू जीरो, F1 इज इक्वल टू F2, बेटा ये सही है ना। अब एक ब्लॉक है उस पे इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, उधर से भी 10 लगाया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देगी ना, तो ब्लॉक किस पे रहेगा, रेस्ट पे। फिर वाई एक्सिस की फोर्सेस देखेंगे, वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लोंग कौन सी लग रही है बताओ, नेगेटिव वाई एक्सिस के लोंग, सोचो सोचो, एम मास है ब्लॉक का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, एम जी। एम जी एक्शन हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, यहाँ ऊपर दिखा दो, इस लाइन के लोग दिखा दो या ऐसे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन की पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी ना, राइट। तो यहाँ पे देखो अब वाई, ये इसको अच्छे से दिखा दो, थोड़ा सा लाइट चल रहा है मार्कर एम जी, ठीक है, ये यूज कम करेंगे हम। अब एक बात बताओ, नेट फोर्सेज वाई एक्सिस के लोग कितनी लगी बताओ बेटा, वाई एक्सिस के लोग लगने वाली नेट फोर्सेज जीरो, नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है। इनके आगे भी लिख दो, बिकॉज ब्लॉक किस पे है, एट रेस्ट, ठीक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो नेट फोर्सेस वाई एक्सिस में जीरो लगी, लेकिन वाई एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस देखो कौन सी लगी, एक तो आर लगी ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, एम जी लगा नीचे की तरफ, ये नेगेटिव होगा। समीशन का मतलब क्या, सभी फोर्स को एड कर दो, इज इक्वल टू जीरो, तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू एम जी, ये कंडीशन बन गई, ये क्या बन गई, कंडीशन। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस को बिल्कुल इजीली हम समझेंगे, इसको एक बार नोट करें बेटा। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक केस लेंगे जिसमें एक बॉडी लेंगे और उसके तीन फोर्स एक्ट करते हुए दिखाएंगे, और तीनों फोर्स के इंपैक्ट के कारण वो बॉडी कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम पे। तो हम एक कोई भी केस अज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, ये ब्लॉक को मैंने कहीं ग्राउंड वगैरह पे नहीं रखा हुआ है, जस्ट ये ऐसी सिचुएशन है, मान लो कि हवा में है ब्लॉक ये, और इस ब्लॉक पे तीन फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, कौन सी, एफ1 वेक्टर, इस तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स कितनी लग रही है, F2 वेक्टर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F3 वेक्टर। तो क्लियरली बेटा दो फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, राइट। और सिंस ये ब्लॉक क्या है, इन इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक किस में है, इक्विलिब्रियम पे है, और एट रेस्ट है, ये ब्लॉक किस पे है, प्रेजेंट सिचुएशन में ब्लॉक रेस्ट पे है, ना तो ये एक्स एक्सिस के लोग कहीं मूव कर रहा है ना वाई पे, इन सभी फोर्सेस के कारण ये ब्लॉक बिल्कुल रुका हुआ है, राइट। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। या वेक्टर फॉर्म में हम बात करें, वेक्टर फॉर्म में आप क्या कह सकते हो,
F1 और F2 दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बीच में आएगा, लेकिन रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा अबव केस के लिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, F3 वेक्टर के इक्वल, राइट। कई जगह आपको कई बुक में ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को पॉजिटिव ले लिया तो नेगेटिव वाली को क्या लोगे, नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, F3, ये मतलब आप इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऊपर वाला फॉर्मेट लिख दो कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, या इन दोनों को ऐड कर दो और इसके साथ में आपने क्या ऐड किया है, -F3, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, 0, कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हो। लेकिन अब जब न्यूमेरिकल लाएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे, न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो अब आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है कितना, m, ठीक है, ब्लॉक का मास है m, और ये ब्लॉक का कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसपे फोर्स लग रही है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं O पॉइंट, ठीक है। इस ब्लॉक पे आप ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहे हो, F1 वेक्टर, इधर कितनी लगा रहे हो, F2 वेक्टर, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F3 वेक्टर, और ये ब्लॉक किस पे है, इन इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम पे है। तो इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हम सभी फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप यहां पर ड्रॉ कर दो, सबसे पहले यहां पे पॉइंट O है, राइट, यहां पे क्या है, पॉइंट O, O पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रही है, कितनी फोर्स लगी, F1 वेक्टर, दूसरी फोर्स इधर लग रही है, ये कितनी लगी, F2 वेक्टर, ठीक है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये कितनी लगी, F3 वेक्टर, राइट, ये तीन फोर्स लग रही है, ठीक है। उसके बाद में आप इन सभी फोर्सेस के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दिखा दो, तो ये ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ये वर्टिकल होगा, तो ब्लॉक का आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये बना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये बना वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो F1 फोर्स ने नेगेटिव x एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाया होगा बीटा, F2 फोर्स ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाया होगा अल्फा, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, अब हम कंपोनेंट में रिजोल्व करें इन फोर्सेस को, तो देखो F2 फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में F2 फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, F2 cos alpha, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना जाएगा F2 फोर्स का, F2 sin alpha, राइट। अब मैं क्या करता हूं, F1 फोर्स है, इस F1 फोर्स का कंपोनेंट बनाता हूं इस डायरेक्शन में, ये F1 फोर्स का क्या बनेगा, F1 cos beta, और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट बनाएंगे ऊपर की तरफ F1 का ऐसे, तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा, F1 sin beta, कितना बनेगा, F1 sin beta। आपको गिवन है सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब एट रेस्ट है, क्या है, एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम या यू कह दो कि कहां पे है, एट रेस्ट। तो एट रेस्ट का मतलब क्या, इस ब्लॉक पे जितनी एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही है वो सारी उन सभी का सम जीरो आना चाहिए, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पे आएगा, या इस ब्लॉक पे लगने वाली जितनी भी वाई एक्सिस में फोर्स है वो भी कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो नेट सम ऑफ एक्स एक्सिस के लोग जितनी फोर्सेज है उनका नेट सम जीरो होना चाहिए, और वाई एक्सिस के लोग जितनी फोर्सेज लग रही है उनका सम भी क्या होना चाहिए, जीरो,
ठीक है, अब इसके बाद में आप ये देखोगे यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां लिख देते हैं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए, जीरो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो एक एफ टू कोस अल्फा इधर फोर्स लग रही है, एफ वन कोस बीटा इधर लग रही है, ठीक है। तो आपको बताया मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट में क्या लोगे नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली सभी फोर्सेस को ऐड कर दो, तो एक तो फोर्सेस कितनी बनी एफ टू कोस अल्फा और दूसरी बनी एफ वन कोस बीटा, ठीक है। तो एफ टू कोस बीटा को तो हम लेंगे पॉजिटिव और एफ वन कोस बीटा, एफ टू कोस अल्फा को तो हम पॉजिटिव लेंगे और एफ वन कोस बीटा को क्या लेंगे नेगेटिव। समीशन का मतलब सभी फोर्स को ऐड कर दो और सबका सम कितना आना चाहिए जीरो, तो क्या होगा ये एफ टू कोस अल्फा माइनस एफ वन कोस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन बन गई हमारे पास, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बनी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हम इसको यूज कर लेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रही है कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस ये जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, तो यही होगा एक्स और वाई में, अब वाई एक्सिस के लोग भी दैट सभी फोर्सेस का सम जीरो आना चाहिए, तो वाई एक्सिस के लोग देखो कितनी फोर्स लग रही है ऊपर एफ टू साइन अल्फा ऊपर और ये ब्लू कलर वाली एफ वन साइन बीटा ऊपर, होपफुली आपको दिख रहा होगा एफ वन साइन बीटा, तो और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वाई एक्सिस के लोग कितनी एफ थ्री, ठीक है। यहाँ फोर्सेस के हम सब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो नीचे की तरफ वाला एफ थ्री लिखेंगे ना कि एफ थ्री वेक्टर, राइट। तो y एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्स लग रही है वो दिखाओ ऊपर की, अब ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगी, एक तो लगी f2 sin alpha, ठीक है, दूसरी फोर्स लगी f1 sin beta, एक लगी f1 sin beta, ठीक है। दोनों फोर्स पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है तो दोनों फोर्स को आप पॉजिटिव ले लोगे, राइट। समीशन का मतलब सभी फोर्स को ऐड कर दो, राइट। लेकिन एक फोर्स और भूल गए हम, नीचे की तरफ F3 लगनी थी, ठीक है। देखो F3 फोर्स नीचे थी तो इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे कितना आएगा F3, क्या आएगा F3, और इस फोर्स को हम लेंगे नेगेटिव, समीशन के नाम का सिंबल प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ये क्या बनेगा आपके पास F2 sin अल्फा प्लस F1 sin बीटा प्लस माइनस F3, F3 उधर जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू F3, ठीक है, is equal to F3, तो ये वाला रिजल्ट आपके पास में इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो डिजायर्ड वैल्यू होगी। ये मैंने एक जनरल केस आपको बताया, अब एक आपको मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगा और वो आप करके दिखाओगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। नोट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अपने को एक सिचुएशन गिवन है इस न्यूमेरिकल में, आपको ये एक स्पोर्ट गिवन है और इस स्पोर्ट पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है उसके साथ में एक 4 केजी का मास अटैच किया हुआ है, एक टेंशन T1 ऊपर की तरफ दिखाई है, देखो ये रोप है क्योंकि रोप में टेंशन आएगी, एक टेंशन T2 इधर है। अब आप कहोगे सर ये तो अभी तक तो आपने फोर्सेस ली थी अब टेंशन ले ली, फर्क क्या है बेटा, जो फोर्स होती है वो टेंशन होती है, लेकिन टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, सिर्फ खींचने का काम करेगी, पुश करने का काम नहीं करेगी। तो इस केस में इस फिक्स स्पोर्ट के साथ में टेंशन टी जो ये वाली रोप है, ठीक है, इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, राइट। तो इस वाली रोप में टेंशन टी वन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस वाली रोप में टेंशन टी टू है और ये मास इसके नीचे लटक रहा है, ये 4 केसी का है और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई चीज कहीं नहीं हिल रही, मतलब नेट फोर्सेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जीरो है, राइट। तो एक बार पहले आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लो, उसके बाद में मैं इसी न्यूमेरिकल में क्या करूंगा जो मेरे को नेसेसरी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है वो कर लूंगा, कंपोनेंट वगैरह बनाने वो बना लूंगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, पहले सेपरेट क्वेश्चन नोट करोगे, इसके नीचे एक बार फिर से डायग्राम बना के फिर सोल्व करोगे, राइट, सो देट कि आपको दिक्कत ना हो जब आप फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल को देखे, स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब एक बात बताओ बेटा, जब भी ऐसा आपको कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन देखे तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे लग रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो बना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बना नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बना हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये बना हमारा वाई एक्सिस,
ये नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम इस सिचुएशन में जितना ये डायग्राम, मतलब इस डायग्राम में जितना हम कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हैं, जितना हम कुछ कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, वो सब कुछ दिखा दो। मैं एक तरीके से यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, क्लास 7 मैथ में पढ़ा है ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना बना 60, राइट। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये जो T1 टेंशन है, एक फोर्स ही तो है, फोर्स 60 के एंगल पे एक्ट कर रही है, तो इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, T1 cos 60। मतलब इस रोप में जो T1 थीटा एंगल पे है ना टेंशन, मतलब फोर्स इस रोप में थीटा एंगल पे है, तो T1 cos 60 इस रोप को इधर खींचेगी। ठीक है, राइट। और इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा ना यहाँ पे, वो क्या बनेगा, T1 sin 60, और T1 sin 60 इस टेंशन का कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, बस और तो कुछ कर ही नहीं सकते। T2 इधर है, 4 kg इधर लटक रहा है, 4 kg पे इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है बताओ, 4 kg तो मास गिवन है ना, मास कितना है 4 kg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगती है mg, तो 4 × g, और आपको यहाँ पे गिवन है टेक g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 9.8 मास की यूनिट kg और g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 39.2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगी, कितनी फोर्स लगी, 39.2 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 40 न्यूटन, राइट। चलो सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब इसका कहूँ तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड ज्यादा हो गया। इधर फोर्स कितनी एक्ट कर रही थी, T1, इधर टेंशन कितनी है T2, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी है 39.2 न्यूटन, राइट। और यहाँ टेंशन कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है T1 cos 60, ऊपर की तरफ टेंशन कितनी आ रही है T1 sin 60। ठीक है, T1 sin 60। ठीक है, और ये मत भूलना, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब एक सुनो ध्यान से, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, तो आपको गिवन है सिंस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब क्या है, जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस में लग रही है सभी का सम जीरो, और जितनी फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है सभी का सम जीरो, राइट। तो एक्स एक्सिस के लोग फोर्स कौन कौन सी लग रही है, इधर देखो कौन सी लग रही है, T1 cos 60, दूसरी लग रही है T2, इधर लग रही है T2, देखो T2 टेंशन इधर है, ठीक है, तो दूसरी लग रही है T2, राइट। किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, T1 cos अल्फा पॉजिटिव होगा, T2 नेगेटिव होगा, समीशन का मतलब प्लस कर दो, राइट, और इन सभी का सम जीरो होगा, तो ये बनेगा T1 cos 60 माइनस T2 इज इक्वल टू जीरो। तो T1 cos 60, sin 30 और cos 60 की वैल्यू इक्वल होती है, T1 into 1 by 2 is minus T2, तो ये क्या हो जाएगा, T1 by 2 is equal to T2, एक कंडीशन ये मिल गई हमें। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगी बेटा बताओ, T1 sin 60 ऊपर की तरफ, T1 sin 60 ऊपर की तरफ, राइट, और 39 न्यूटन नीचे की तरफ, तो 39.2 न्यूटन कहां लगी, नीचे की तरफ। ठीक है, 39.2 न्यूटन यहां पे लिख दो, और इन सभी फोर्सेस का सम करो, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। बट डोंट फॉरगेट,
जो नेगेटिव एक्सिस में फोर्स है उसको क्या लोगे माइनस, तो इसके आगे क्या लगा दोगे माइनस 39.2 के आगे माइनस लगेगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, T1 sin 60 कितना √3/2 प्लस माइनस माइनस 39.2 न्यूटन है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू मिली T1 by 2 into root 3 कितना हो जाएगा 39.2 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके T1 और T2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो बेटा, T1 by T2 को क्या लिख सकते हो T2 यहां पे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं और ये अपनी क्या होगी इक्वेशन सेकंड। तो आप लिखोगे यहां इसी में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि T1 by T2 को, T1 by 2 को आप T2 लिख सकते हो, तो T1 by 2 को आप T2 लिख सकते हो, तो T1 by 2 को आप लिखो T2 into root 3 is equal to 39.2 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39.2 upon में root 3 न्यूटन, राइट। और फिर आपको T1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके बाद में T1 by 2 is equal to T2, तो T1 की वैल्यू क्या होगी twice of T2, T2 की वैल्यू कितनी है 39.2 अपॉन में रूट 3 और ये आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। तो T1 की वैल्यू दिस वन भी, ये तो T1 की वैल्यू होगी और ये आपके पास T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो आज की क्लास में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में जिसमें हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।